हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं APS के जो नया रूल आया है, जो न्यू रूल है उसके बारे में। और इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या हम 30 मिनट में एक ही बार निकासी कर सकते हैं, क्या बैलेंस इंक्वायरी के बाद आधार विड्रो होगा या नहीं, सब कुछ। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो मेरे पास प्रॉब्लम आया है, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास और भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास और भी कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये जो अपडेट आया है, इसके बारे में बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले अच्छे से। तो ये जो अपडेट है, ये मैं आपको पेनीबाई के एप्लीकेशन पे ले जाकर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये जो अपडेट है, ये 27 जनवरी को आया है, जो कि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ये जो नियम है, ये 27 जनवरी 3 बजे से लागू हो चुका है। पहले हम इस नियम को समझते हैं कि ये क्या रूल है, क्या नियम है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आगे ये किसके लिए है और कैसे काम कर रहा है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अपडेट आया है, यानी जो नया नियम आया है, वो आया है कि न्यू NPCI रूल फॉर APS एंड आधार पे ट्रांजेक्शन। ये जो रूल है, ये आधार पे और APS के ट्रांजेक्शन पे लागू होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि NPCI द्वारा, आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि NPCI द्वारा नए नियम के अनुसार हर ग्राहक प्रति 30 मिनट सिर्फ एक ही APS या आधार पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो लिखा है, कई लोग समझ रहे हैं कि जो ये APS चलाते हैं, जो रिटेलर हैं, वो समझ रहे हैं कि हम 30 मिनट में बस एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ कस्टमर के लिए है, जो ग्राहक है उनके लिए है। आपको इससे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि आप 30 मिनट में बस एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये आपके लिए नहीं है, ये ग्राहक के लिए है। जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं, ये नियम उनके लिए है, ये नियम रिटेलर पे लागू नहीं होता है। आप चाहे जितना मर्जी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राहक है वो 30 मिनट में एक ही, जो कि APS या आधार पे ट्रांजेक्शन कर सकता है, वो कैसे करेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये जो नियम है वो काम कर रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नियम है, ये क्या कहता है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये जो नियम के अनुसार आप हर ग्राहक का प्रति 30 मिनट, यानी 30 मिनट में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी APS हो या फिर आधार पे हो, आप कोई भी एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 30 मिनट में। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम की कार्य कुशलता और ग्राहक सुविधा को बनाए रखने के लिए NPCI के नए नियम के बारे में जानिए और आज ही 3 बजे से लागू है, यहाँ पे ये सब बताया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नियम है वो कैसे काम कर रहा है। ये जो नियम है वो, अब आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये जो नियम है ये सिर्फ ग्राहक पे लागू होता है। जैसे आपके पास कोई ग्राहक आता है और वो आपसे आधार विड्रो करवाता है, आपने उसका एक बार आधार विड्रो कर दिया, उसके बाद जैसे मान लीजिए उसने पहली बार में 5,000 रुपये निकाला अपने, मान लीजिए उसका बैंक है SBI बैंक से उसने 5,000 रुपये निकाला, और उसके बाद फिर से वो बोलता है कि मुझे और 2,000 रुपये निकाल दो। तो उसके लिए आप, जब आप उसका पहला ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है या फिर फेल्ड भी हो चुका है, तो आप उसका दोबारा उसी टाइम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उस कस्टमर को 30 मिनट का वेट करना होगा, उसके बाद ही वो दूसरा जो कि है ट्रांजेक्शन कर सकता है, उसके बाद ही वो जो 2,000 रुपये और बोल रहा था निकालने के लिए वो निकाल सकता है। तो इसका मतलब यही है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होने के बाद वो उसको 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आता है कि कई लोग बोल रहे हैं कि क्या हम बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट करने के बाद आधार विड्रो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ये जो नियम है, इसके अनुसार आप बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं, उसके बाद भी आप एक
APS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी आपने बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट कर दिया कस्टमर का। अब आपके मन में डाउट होता है कि अब इसको 30 मिनट के बाद ही जो कि है इसका पैसा निकलेगा। जैसे मैंने इसका बैलेंस इंक्वायरी कर दिया तो अब इसका पैसा जो कि है निकालना है वो 30 मिनट के बाद ही निकलेगा। ऐसा नहीं है, आप उसी टाइम उसका पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जब वो दोबारा बोलेगा कि मेरा और पैसा निकाल दो तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, उसके लिए 30 मिनट का और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका दूसरा जो ट्रांजेक्शन है वो हो पाएगा। तो ऐसे ये काम कर रहा है। अगर कस्टमर का SBI का खाता है और इलाहाबाद का भी खाता है, तो जैसे उसने SBI का ट्रांजेक्शन कर दिया तो SBI का जो कि है 30 मिनट के बाद ही काम करेगा एक ट्रांजेक्शन होने के बाद, लेकिन अगर वो इलाहाबाद से निकालना चाहता है तो वो उस टाइम पे निकलवा सकता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया है कि ये जो नया नियम है वो कैसे काम कर रहा है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें डाउट है, अगर आपको भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि इस बात को समझाने के लिए कि ये नियम कैसे काम कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे बस आपको यही समझाना था। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपके पास कोई डाउट है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।